संबोधन में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे कोविड का बेहतरीन ट्रीटमेंट चल रहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये वबा है, वबा का सामना हमको करना है, हिम्मत से डट के करना है। आप तमाम लोगों से, आवाम से, भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, एक तो आप लोग घर पे रहिए, जितना हो सकता आप घर के बाहर नहीं निकलना है। ये वबा को दूर करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, घर पे रहना है। इससे जो है ये वबा की जो चेन है, जो आते जा रही, सबको अपन इसको तोड़ सकते। मेहरबानी करके समझिए, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े वालिदैन हैं, मेहरबानी करके नौजवान बच्चे उनका ख्याल रखते हुए बहुत केयरफुल तरीके से रहिए। अगर किसी को कोविड आया कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर तरीके के इंतजाम यहाँ किए गए। बात करें कि हैदराबाद भागना, निजामाबाद भागना ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हर तरीके का ट्रीटमेंट है, तमाम इंजेक्शन्स यहाँ पे मुहैया कराए गए हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास 20 बेडेड ऑक्सीजन बेड्स थे उसको हम जल्दी इंशाल्लाह एक आध दिन में 80 बेडेड कर देंगे और 60 ऑक्सीजन के बेड इसमें ऐड कर रहे। और दूसरे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर रहने दीजिए और दूसरे कोविड के टेस्ट रहने दीजिए। यहाँ पूरी तरीके से इंतजाम कराए जाएंगे। यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है बेहतरीन काम कर रहे, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी यहाँ के सुपरेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस बहुत अच्छा काम कर रहे, मैं उनकी सताइश करता हूँ। और आप कोई परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी इधर ही हूँ बोधन में। और कोई भी चीज़ रही इमीडिएट फॉरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आइए। और सबसे खसूसी, अगर कोई बोल रहे टीका नहीं ले सकते वैक्सीन, सब गलत बात है, आप रोजे में भी आके वैक्सीन ले सकते। मेहरबानी करके ये चीज़ को ख़त्म करना है तो सब जने वैक्सीन लेना ज़रूरी है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके सब जने आके फौरन वैक्सीन लीजिए, ठीक है।